देखने को मिला है इंडिया ब्रिक्स के हवाले से। तो ये पांच इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आज के मेहमान का करते हैं स्वागत और उनके सामने रखेंगे निफ्टी का इंपॉर्टेंट डाटा। चंदन तापड़िया आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे आज बातचीत करेंगे। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 285 अंकों का नुकसान है निफ्टी के आंकड़े इस समय क्या कह रहे हैं, फटाफट से आपकी वो स्क्रीन पर लेके आते हैं। आज फिर से बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बाजार ने गैप डाउन किया तो उसके बाद लोगों ने भर भर के खरीदा है इसको, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो बाजार अच्छा स्ट्रांग पुलबैक दिखा के 16,500 के भी ऊपर आ गया होता, जिस जगह पर खड़े हैं वहां से भी टूट रहा है और बैक टू बैक वैसे भी बाजार के अंदर कमजोरी आ रही है। तो इसलिए पहला निफ्टी का पॉइंट जो है वो यही कहता है कि बाजार के अंदर अभी भी आज भी आप बिकवाली ही देख पा रहे हैं और ये बिकवाली 9.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ है। दूसरा, अब 16,400 जिस पे हम खड़े हैं यही आज का क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए, अगर इसके नीचे हम क्लोज कर रहे हैं तो दिक्कत और बढ़ सकती है, गैप डाउन एक बार और भी मिल सकता है। 50 दिन के और 200 दिन के एवरेज के हम कोसों दूर आ चुके हैं, 600-600 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है हम 200 दिन से और 50 दिन से जो दूर आ गए हैं। मार्केट का एक अहम रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वह 16,300 या फिर और करेक्ट हो तो 16,280 है, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज भी हैं। तो आज का नारा यही है कि 16,300 को बचाओ और 16,500 को किसी तरह से लेके आओ, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आज आप विनर साबित हो जाओगे। अगर आज नहीं होता क्योंकि हम बीच में खड़े हैं, 100 पॉइंट ऊपर 500 और 100 पॉइंट नीचे 300 है, तो दिशा 100 पॉइंट के भी गुंजाइश है सेकेंड हाफ में कि 100 पॉइंट का स्विंग जरूर मारेंगे, वो किस तरफ होगा एक बार उनसे समझ लेते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, हम जिस जगह पर खड़े हैं ना वैसे तो अपने आप में रेंज है तो बिकवाली की, पहले अनवाइंडिंग हुआ आज भी, आज गैप डाउन करने के बाद भी डाटा में कुछ सुधार नहीं हो रहा बल्कि वो तो बिकवाली का ही है। हम खड़े 16,400 पे, शाम को आने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स, 16,300 पहले टेस्ट कर जाएंगे या फिर 16,500 आने की प्रोबेबिलिटी भी है सर, और जो करेगा रिलायंस करेगा ऐसा आप भी मानते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए बाजार में सिलेक्टिव मूवमेंट आप देख रहे हो और ओवरऑल ट्रेंड है वो मार्केट का प्रेशर में है, क्योंकि आज हमने नेगेटिव ओपनिंग देखने के बाद में डाउनसाइड का लेवल टेस्ट किया, बट आप पिछले लगभग एक घंटे से देख रहे हो नीचे में 16,350 के सपोर्ट को बाजार एक्सपेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से रिलायंस और सेलेक्टिव बैंक जैसे कि कॉटन बैंक नीचे से होल्ड कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमारा यही मानना है कि बाजार ऊपर में टिक पाना थोड़ा टफ है, ऊपर के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। एज ऑफ नाउ जब तक निफ्टी ऊपर में 16,666 नहीं निकलता है हम सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी रखेंगे, इंट्राडे स्विंग आ सकता है बट उस स्विंग में हम थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखेंगे। तो आप ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो 16,250 से लेकर 16,666 का लेवल है, बाउंस आने के बाद यदि अटकता है तो वापस बेयर फुट स्प्रेड या फिर मंदी करने की हम यहाँ पे कामकाज की सलाह देंगे। कहां तक जा सकता है चंदन जी, 16,300 को ब्रेक करने के चांसेस है या फिर पहला पड़ाव 16,300 है? जी देखिए ओवरऑल आप देखोगे तो निफ्टी में मेजर पड़ाव है वो 16,200 और 16,000 के आसपास समझ में आ रहे हैं। इसका मतलब आप ये इशारों में बता रहे हैं कि 16,300 की बिकवाली भी आ सकती है अगर ये लेवल गया तो, आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जैसे मैं आपको शुरुआत में कह रहा हूँ डाटा उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि पुल बैक है, और ये बात चंदन भी आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर कोई पुल बैक आ भी रहा है तो उसको आप कॉशियस होकर यानी कि सावधानी से शक की निगाह से देखिए, और अगर आपको मौका मिलता, आप लकी हैं कि आपने डिप में बाय करके आपको ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है, तो डू इट, अदरवाइज नहीं तो आपके सामने हमने लेवल्स रख दिए। जब तक 16,650 के लेवल को पार वापस नहीं करेंगे जिसको आज हमने गैप के साथ तोड़ा है तब तक हम वापस ठीक नहीं होंगे, और ये बिकवाली 16,200 तक भी ला सकती है। आज सिर्फ 300 को बचाने की बात है, अगर ये गया तो 200 आज में आप देख लेंगे क्योंकि बाजार के पास फिक्स हाई है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। कल हमारे जो निफ्टी के ट्रेड था वो होल्ड का था, कोई बाय सेल नहीं दिया था, बल्कि आज गैप डाउन है उसके बावजूद भी आपको सेल का ट्रेड मिल रहा है, इसी से समझ में आता है कि बाजार के अंदर जो रिदम है तेजी का वो थोड़ा कमजोर है। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहेंगे चंदन जी आप? जी देखिए बैंक निफ्टी है वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ओवरऑल है, हालांकि जरूर गिरने के बाद आज ओपनिंग के बाद भी नीचे के लेवल से रिकवर हुआ है, 34,500 के आसपास का ओपनिंग हुआ, हम 34,350 गए वापस उसी लेवल के आसपास आए, तो डिक्लाइंस पर खरीदारी हुई है बट ओवरऑल ट्रेंड सेटअप है वो नेगेटिव है क्योंकि वीकली चार्ट में अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी में कंपेरेटिवली हर मेजर लेवल से उछाल आया बट ऊपर का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी अब लगभग
35,000 एक मेजर हर्डल का काम करेंगे, थोड़ा और कोई बाउंस आता है तो 35,000 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह देंगे, नीचे में 34,500 के मेजर टारगेट के लिए। आप ये भी कह रहे हैं कि 34,000 तक बैंक निफ्टी भी फिसल के आ सकता है। असल में हमने 36,000 का जो लेवल तोड़ा है, 36,000 का जो लेवल तोड़ा है, उसके बाद से बाजार की तकलीफ थोड़ी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हो सकता है हम कुछ और भी गिरावट यहाँ पे बनते हुए देखें। खैर आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और ट्रेड समझते हैं। और अब सीधा सीधा निफ्टी पे तो आपको व्यू पॉइंट मिल ही गया है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉइंट मिल गया कि सेलिंग अभी बढ़ सकती है, इसलिए कोई भी पुल बैक को आप बहुत ही कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। मैं बार बार पिछले 3-4 दिन 5 दिनों के बाद मेरे को ये कहते हुए इसलिए फिर से थोड़ा सा जोर लगा कह रहा हूँ कि ये बाजार को अब ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक हुए हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। सर आज के जो लॉन्ग बिल्डअप्स हैं उसमें एक तो HDFC AMC है, ये पहले ही 15 मिनट के अंदर ही ये पुल बैक दिखा के हरे निशान में आ गया था, यानी कि बाजार की आज की गिरावट को इसने निगेट किया था। दूसरा है IEX, हालांकि इसमें मैं एक शेयर रखना चाहता था वो था ITC, बट मैंने ITC को फिलहाल भी छोड़ दिया, थोड़ा स्लो मूवर है ये, थोड़ा हाई मूवर है, अगर पुल बैक आए तो स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए हमने दोनों शेयर्स को चुना है। सर IEX और HDFC AMC दोनों चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आप HDFC AMC की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। आप ओवरऑल देखें तो लगातार पिछले 7-8 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। जरूर आज नीचे के लेवल से हल्का सा होल्ड हुआ, बट मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मेजर रिवर्सल यहाँ पे बनेंगे, तो HDFC AMC तो मैं अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। उसके अलावा आपने IEX की बात की, IEX में भी कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम आज जरूर होल्ड किया है, बट जब तक ये 200 के ऊपर आज क्लोज नहीं देगा इसलिए काफी टफ होगा, तो IEX में भी कंपेरेटिवली हमारी बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। तो आपने दोनों काउंटर अच्छे ढूंढे अपने हिसाब से, बट वीकली सेटअप इनके अच्छे नहीं है। इसके जगह आपने जो ITC की बात की वहां पे हमारा थोड़ा सा कन्विक्शन है, मेरा मानना है कि इस बाजार में ITC कहीं ना कहीं डिफेंसिव और सेफ्टी बेट का काम करेगा। वीकली सेटअप भी अच्छा है, डेली सेटअप भी अच्छा है, 258 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 275-278 के लेवल आपको ITC में बनने चाहिए। तो HDFC AMC और ITC को छोड़ के मैं यहाँ पे HDFC AMC और IEX को छोड़ के मैं यहाँ पे ITC के साथ लोन की सजेशन देना पसंद करूंगा। सर ITC का एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट वापस से बता देंगे क्या है इसका? मौजूदा लेवल पे ले सकते हैं 258 के स्टॉप लॉस से, 275 और 280 के टारगेट। ओके ठीक है, 275 से 280 तक का टारगेट है, 258 का स्टॉप लॉस है, IT से चुनना है। एक्चुअली जब हम शीट बना रहे थे ना तब मेरा बहुत मन था कि मैं IEX को हटा के ITC रख दूं, लेकिन लास्ट मोमेंट मैंने फैसला कि नहीं ठीक IEX की जाने दो, ITC तो हम सुबह भी एक बार बात कर चुके हैं, ये तब हमने बात की थी जब हरे निशान था भी नहीं, और आज ये 1.5% ऊपर है जबकि बाजार अपने लो को वापस बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफेंसिव प्ले भी है, एग्रेसिव प्ले भी है, दोनों का कॉम्बो इसके अंदर है। तो आप 275-280 के टारगेट रखिए, 258 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस भी रखना चाहते हैं तो 250 के नीचे भी रख सकते हैं। ये ITC के लिए कॉल हो गई आपकी। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये ट्रेड तो आपके सामने आई गए हैं तेजी वाले, जरा शॉर्ट कवरिंग के सौदे भी रखता हूँ। सर एक टाटा कम्युनिकेशन, उसके अंदर थोड़ा शॉर्ट्स कवर हो रहा है, और पेट्रोनेट LNG, कल हमने नोटिस कर लिया था कि पेट्रोनेट LNG के अंदर शॉर्ट्स होंगे कवर, तो सर आज थोड़ी बहुत कवरिंग इसमें भी आ रही है, जरा चेक करके बताएंगे सर? बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं पेट्रोनेट पे बात करूंगा। पेट्रोनेट हमें कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, मेजर सेटअप यहाँ पे रिवर्स हुआ है, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो डिक्लाइन है वो कंप्लीट हुआ है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है, और जिस हिसाब से आज डिप आके और डिप खरीदारी में तब्दील हुई है, पेट्रोनेट कंपैरेटिवली अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो लगभग 209 के सपोर्ट से यहाँ पे पेट्रोनेट खरीदारी की सलाह रखेंगे, 225-230 तक के लेवल बनेंगे। अपने टाटा कंज्यूमर की आई थिंक बात की थी, टाटा कंज्यूमर को मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मोड पे रखूंगा, बट पेट्रोनेट पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, पेट्रोनेट पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। आप दो चीजें और नोटिस कर रहे होंगे जो चंदन आपको ट्रेड बता रहे हैं, खैर मैंने तो एक कर ही लिया। एक तो इन सबका बीटा थोड़ा सा लो है, आपको बहुत एग्रेसिव शेयर का चुनाव नहीं हो रहा, जैसे टाटा कम्युनिकेशन एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट LNG, लेकिन वो ड्रॉप हो गया। थोड़ी देर पहले हमने IEX भी रखा था सर के सामने, वो भी ड्रॉप हो गया, ऐसा नहीं था उसके अंदर डाटा बन नहीं रहा, बट वो भी ड्रॉप हुआ है।
इस समय बाजार के अंदर ज्यादा जरूरत है एग्रेसिव शेयर्स की ना होते हुए, बल्कि थोड़े डिफेंसिव, थोड़े स्टेबल शेयर्स की, कि अगर मान लो 200-400 पॉइंट का निफ्टी और ऊपर नीचे करता है तो अपने पास वो शेयर होने चाहिए जहां पे आपका वॉलिटिटी है और जो डैमेज है वो कम से कम हो। इसलिए चुनाव हुआ ITC, इसलिए चुनाव हुआ पेट्रोनेट LNG, ये सारे शेयर्स के स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोट कर लीजिए। इस तरह के बाजार में इस तरह के शेयर्स बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत पक्के से होके चलते हैं। आप रेयर लोग होंगे जो कि प्रॉफिट बना पाएंगे तेजी में भी इस तरह के मार्केट के अंदर, अगर इस तरह के शेयर्स का चुनाव हो जाए तो। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले सेगमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के शॉर्ट्स वाले शेयर। एक तो बिरला सॉफ्ट है और एक सर इन्फो एज है। इन्फो एज आजकल पसंदीदा शेयर हुआ हुआ है कि जब भी बाजार थोड़ा भी खराब हो तो सबसे पहले आप इन्फो एज को चुन लीजिए। कहीं भी डबल टॉप लगा हो, कहीं भी कोई लेवल्स ब्रेक हुए हो, एवरेजेस का ब्रेकडाउन हो, तुरंत शॉर्ट कीजिए विदाउट एनी सोचे समझे। एक बार आपका व्यू पॉइंट सर। बिल्कुल, इन्फो एज यानी नौकरी काफी वीक लग रहा है। वीकली चार्ट में आपको बेरिश पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 4300 एक मेजर सपोर्ट थे, वो दो दिन पहले टूटने को मिले और अब जो हर्डल है वो कहीं ना कहीं 4000 के आसपास शिफ्ट हो रहे हैं। तो 4000 के हर्डल से कहीं ना कहीं आपको 3600-3650 तक के लेवल नौकरी यानी इन्फोएज में देखने को बनने चाहिए। 20 ऑफ की बात करें तो 20 ऑफ में भी कहीं ना कहीं प्रारंभिक टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं और इनवर्स रिलेशन के यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वीकनेस बनना चाहिए। लगभग 408 के आसपास के रेजिस्टेंस है, नीचे में 380 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। तो बी सॉफ्ट और इन्फोएज दोनों ही काउंटर में वीकनेस है, शॉर्ट्स के बिल्टअप है और ये वीकनेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। एबी कैपिटल और नालको भी हमने चुने हैं, यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर है। कहीं पे आपको दोनों शेयर ज्यादा वीक दिखते हैं? नालको हिंडालको दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल, सारे के सारे मेटल काउंटर में हम नेगेटिव व्यू रख रहे हैं। नालको आप देखोगे पिछले लगभग 20 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीक्वेंस बन रही है। हालांकि 100 के पुट में यहाँ पे एक्टिविटी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा 100 के आसपास सस्ट पकड़ा है, तो थोड़ा सा बाउंस आए तो हम बेचने की सलाह रखेंगे। बट आपने जो दूसरा काउंटर बताया एबी का, वहाँ पे वीकनेस बन रही है और वहाँ पे आपको डाउन साइड में लगभग 255 तक के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। ओके, ठीक है। यानी कि आज शॉर्ट्स के कॉल पे सर थोड़ा एग्रेसिव होके भी बोल रहे हैं, वजह भी बिल्कुल साफ है क्योंकि बाजार का कुछ डाटा ही ऐसा है। आप तेजी वाले शेयर को थोड़ा कॉशियस होके देखिएगा और इस पर तो एग्रेशन दिखाने का समय था, थोड़ा समय निकला है, बट फिर भी आप अगर दिखा सकते हैं तो थोड़े शॉर्ट्स के शेयर्स में अभी भी दम है, अभी भी कुछ हो सकता है अगर इसमें होना है तो। आज रिलायंस को हटा दिया जाए बाजार से तो आज बाजार के वैसे ज़्यादा खराब है। रिलायंस एक चौंकाने वाला फैक्टर रहेगा आज सेकंड हाफ में, बस इसके अलावा तो वैसे मार्केट का डाटा उतना स्ट्रांग नहीं है। खैर, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा और इन्फो एच पे आपको कॉल मिल चुके हैं। अब हम आ जाते हैं ऐसे शेयर्स जिनमें तेजी आगे देखने को मिल सकती है, तो आज के तेजी वाले शेयर्स। सर, ब्रिटानिया और कोलगेट FMCG के दो शेयर हैं। हालांकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन दोनों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, एक तो इनके नंबर्स और दूसरा इन्होंने ना पास ऑन कर दिया सब कुछ अपने क्लाइंट्स को, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन दाम बढ़ चुके हैं, क्वांटिटी कम हो चुकी है, तो इसलिए ब्रिटानिया और कोलगेट पे जरा आपका व्यू पॉइंट बता दीजिए। देखिए, FMCG काउंटर है, जरूर नीचे के लेवल से सपोर्ट बना रहे थे बट ऊपर के लेवल पे वापस टिक नहीं रहे। मैं ब्रिटानिया की बात करूं तो काउंटर ने लगभग 3 दिन पहले 3600 तक के बाउंस देखे बट वो बाउंस टिक नहीं पाया और वापस नीचे में 3200 तक के जोन को बेस बना रहे। आज भी लगभग 3187 का लो बना है और वहां से रिकवरी हुई, तो 3200 एक मेजर सपोर्ट बन रहा है ऊपर में 3400 तक के लिए, 3450 के लिए। तो कहीं ना कहीं 3200 से लेकर 3450 तक के लेवल आपको ब्रिटानिया में रहेंगे और मेरे को नहीं लग रहा है कोई बड़े स्विंग यहाँ पे बनेंगे। कोलगेट है, कोलगेट में जरूर आज बाएंगे क्योंकि 3 दिन पहले काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था और मेजर ट्रेंड यहाँ पे टर्न हुआ है, तो इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बना सकते हो। अच्छी बात यह है कि कल का जो लो था 1555 उसको ऑलमोस्ट रेस्पेक्ट किया, तो 1555 एक मेजर सपोर्ट रहेगा और एक बार के लिए ऐसा लग रहा है 1625-1630 तक के बाउंस आपको कोलगेट में देखने को बनने चाहिए। ओके, ठीक है। चंदन जी, चलते चलते आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी जानना चाहते हैं, आपकी कॉल्स क्या हैं? बिल्कुल, मेरा पहला ट्रेड रहेगा हीरो मोटो, ये काउंटर में काफी पसंद है। इनफेक्ट इस बाजार की गिरावट के बावजूद भी इस काउंटर में हमारा कन्विक्शन है और सुबह से ये काउंटर हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे लगभग 6 दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था और वो ब्रेकआउट हुआ था लगभग 2400 को पार करके, आज एग्जैक्टली 2460 का लो बना है इसने ओपनिंग में
और ओपनिंग से यहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हो रही है। जहाँ पे बाजार परेशान में दिखाई दे रहा है, ये काउंटर ब्रेकआउट दिखा रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक पोल एंड फ्लेक बन रहा है और जो पुराने रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इवन पांच छह दिन पहले के जो स्विंग आई है 2540 उनके ऊपर डिसाइसिवली काम कर रहे हैं। तो हीरो मोटो खरीदने की सलाह रहेगी। 2490 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 2750 के लेवल बनेंगे। वहीं सेल साइड में हमारा मानना है कि सारे के सारे मेटल और फाइनेंशियल काउंटर है वो बिकवाली के दबाव में रहेंगे। तो बजाज फाइनेंस बिकवाली की सलाह देंगे। 6250 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आपको 5800 तक के डाउन साइड मिलने चाहिए। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प हमारी भी लिस्ट में था, हमने सुबह सुबह इसके बारे में डिस्कस भी किया, आईटीसी मैच कर गया आपका और हमारा, और इसके अलावा जो आपने अलग अलग शेयर्स पे राय दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।